परिवार का, आज कृतज्ञ हूँ कांग्रेस परिवार का कि उन्होंने फिर से मुझे अपने बीच में स्थान दिया, अपने बीच में जगह दी। समय कभी कभी जीवन में ऐसा आ जाता है कि ऐसे आक्रोश में निर्णय ले लिए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा अच्छे निर्णय साबित नहीं हुए। इतिहास इस बात का गवाह है और मैं इस बात का भुक्त होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके जो स्लोगन है, इनकी जो बातचीत, तो पूछ उठा के देखा तो सब मादा निकले, एक ही मर्द। देश की बात करने वाले लोग देश के बारे में क्या सोचते हैं? सेना की बात करने वाले लोग सेना के बारे में क्या सोचते हैं? हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने 1970 से अपनी याददाश्त को कायम रखा है। इस देश में आतंकवादी गतिविधियां तभी हुई जब इस देश में कमजोर सरकार रही, और कमजोर सरकार तब तक रही, मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के उस सरजमीन पर, जम्मू कश्मीर पर, कारगिल पर, जब हमारी जमीन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी। ये देश कमजोर था तब आतंकियों ने हमला किया, ये देश कमजोर था जब संसद में हमला किया, और देश का गृह मंत्री तथा कथित लोह पुरुष लाल कृष्ण अडवाणी था जो सबसे पहले संसद की कुर्सियों के नीचे छुप के बैठ गए। दूसरा आक्रमण कब हुआ? देश कमजोर कब रहा? जब कमजोर रहा, जब हमेशा यहां पे सत्ता कमजोर लोगों के हाथों में थी। उरी का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ और बाराकोट का हमला हुआ। जब जब हमले हुए तब तब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में कमजोर नेतृत्व की सरकार थी। कहते कुछ रहे और करते कुछ रहे। कांग्रेस का शासनकाल देखो, जिसने हिंदुस्तान की आजादी से लेकर और जीवन समर्पण करने तक, चाहे महात्मा गांधी रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, आजाद और चंद्रशेखर भगत सिंह रहे हो, गोपाल कृष्ण गोखले रहे हो, जिन्होंने अपनी जान के बजाकर हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई, ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी, 133 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी, ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए, ऐसी प्रधानमंत्री जामाल जिसका नाम इंदिरा गांधी था, जिसने बांग्लादेश अजब से आजाद करवा दिया। जब जब सरकार मजबूत हाथों में रही, जब देशभक्तों के हाथों में रक्षित रहा, अमेरिका ने धौंस दी थी कि सातवां बेड़ा ले आएंगे, जिन लोगों को याद हो 1971 की लड़ाई, लेकिन इंदिरा गांधी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ वो लड़ाई लड़ी। हमें फक्र है कि कांग्रेस के लोग थे वो। जब जब आदेश हुआ, राजीव जी ने अपनी शहादत दी श्रीलंका में आतंकवादी गतिविधि कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, और अगर इतिहास उठा के देखोगे तो आजादी से लेके आजादी के बाद तक अगर किसी की शहादत की कुर्बानी है देश के लिए, तो वो कांग्रेस के नेताओं की है। मेरे भाई, मैं कभी कभी गणित जोड़ता हूं कि 5 साल अटल जी प्रधानमंत्री रहे तो उनके रिश्तेदार अरबपति बन गए। मैं कभी कभी गणित जोड़ता हूं कि जीवन में बचपन में चाय पीता था दुकान पे जाके, मुझे वो दुकानदार का बेटा जो ज्यादा से ज्यादा उस पर शर्ट आ गई। ऐसा कोई चाय वाला झूठा नहीं मिला जो 10,000 का सूट पहन के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का काम। ये देश के साथ धोखा है। 10 लाख का है, 10 लाख का सूट ऐसे लोगों के हाथ में सरकार है। और अभी हाल की घटना, उन्होंने कहा बहुत बड़ा काम कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। दोस्तों, पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे पहला पोखरण विस्फोट श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो 1974 में परमाणु विस्फोट हुआ, तब दर्द था हमें अपने नेता पर। तो आज ये कहते हैं कि मैं 24 घंटे में 18 घंटे काम करता हूं प्रधानमंत्री देश का। मेरे भाई, 18 घंटे सेवा करने वाला आदमी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, मैं ज्ञान नौजवानों की, मैं उन शहादत करने वालों की, मैं उन हिंदुस्तान के फौजियों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, जितना 3 बजे जाकर पाकिस्तान की सरजमीन पर आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन 11 दिन तक अलर्ट रहते हुए, 11 दिन तक सचेत होते हुए भी भारत
हिंदुस्तान की सरजमीन पर बम गिरा के चली गई। ये बुश जी थी कायम तक प्रधानमंत्री। और सोचते रहे हम देश के नौजवानों का, देश के उन शहीदों का सम्मान करते हैं जिन्होंने देश के प्रति अपनी कुर्बानी दी। देश जब जब कमजोर हुआ है तब तब सरकार दूसरों की रही, देश को गुमराह किया। हमारी आदत है कि हम भूल जल्दी जाते हैं। नोटबंदी के समय देश तहस नहस हो गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मुझे भी अर्थशास्त्र का ज्ञान है। पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि जहां की मुद्रा अगर ज्यादा खराब हो जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन जिन जिन विश्व में जिस जिस देश ने ये बंद की वहां पे वापस लानी पड़ी थी। लेकिन चूंकि दक्षिण पंथी लोग हमेशा ये चाहते हैं कि पुरानी सड़क का नाम बदलेंगे, योजनाओं का नाम बदलेंगे, अपना नाम रखेंगे, इनके खुद के जो पुरखा है वो नामचीन नहीं रहे, तो इन्होंने कांग्रेस के शहीदों को ढूंढना शुरू कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल खाकी कांग्रेसी, देश की आजादी में हिस्सेदारी करने वाला आदमी, क्योंकि इनके खानदान में तो कोई अच्छा व्यक्ति था ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी किसका नाम लेता? दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं ले सकता, किसी का नाम नहीं ले सकता, तो फिर वो किसको लेके आया? खाटी कांग्रेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी स्टैचू लगवाने लगे दतिया के, कि वीर सावरकर जिन्होंने माफी मांगी अंग्रेजों से। मैं इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं, इस देश में जब जब सरकार मजबूत रही कांग्रेस की रही, तो विदेशी ताकतों ने देश पर कभी आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। आज नेपाल जैसा देश, आज श्रीलंका जैसा देश, आज पड़ोसी देश जिनसे हमारे मधुर संबंध हुआ करते थे, आज हमारे कटुतापूर्ण संबंध है। हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार की व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट है। रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में भाई देवाशीष जरारिया पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा है, और बात पड़ता है उसमें, वो आपके बीच में सेवा करना चाहता है। आप गुमराह बहुत किया जाएगा, उन्होंने कि सवर्णों को खिलाफ कर दो, उन्होंने कि एससी वर्ग के लोगों को खिलाफ कर दो, ये अफवाह फैलाने लगो, वो फैलाने लगो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर किसी ने अनीति की है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। जिसने इस देश में वर्ग विभाजन किया है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जिसने सवर्ण और एससी वर्ग के बीच में खाई पैदा की है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अगर आपको इस विवाद को हटाना है तो उस तोते को पकड़ो, और उस तोते की जान है संसद में, और नरेंद्र मोदी को खत्म करने के लिए आवश्यकता है कि लोकसभा में उसकी गर्दन को मरोड़ लो। भिंड में ये मौका फिर नहीं मिलेगा आपको। नौजवान लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, इसको मौका देना चाहिए। हम पहले लोगों को भुगत चुके हैं, तमाम लोग आए लेकिन कम पढ़े लिखे होने की वजह से भी कई लोग हमारी बात ढंग से नहीं रख पाए। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी जवान में जहर बोला लोकसभा में, जहर बोला। ऐसे लोगों को भी नहीं चुनना। इसलिए इस बच्चे के प्रति हमारी सबकी सद्भावना है, योग्य व्यक्ति है, योग्य लड़का है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि फिर मुझे कांग्रेस परिवार ने अपनी शरण में लिया है, इसलिए आप सबसे मैं अनुग्रह करना चाहता हूं कि आगामी लोकसभा के चुनाव में मतदान के दिन हाथ के पट्टी पर बटन दबाकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ मजबूत करें।